नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार तिवारी हूँ, सुरवाला जिला सिवान बिहार से। दोस्तों आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो देखने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाला बटन दबा के, उसके बाद दोस्तों घंटी वाला बटन भी दबा लीजिए। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा होना चाहिए, आप लोगों को कैसा वीडियो लगता है, ये दोस्तों कमेंट में वीडियो देखने के बाद जरूर बताएं। मंत्री श्रीमती योगी मानधन योजना की शुरुआत कॉमन सर्विस सेंटर में कराएं रजिस्ट्रेशन। नई दिल्ली अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए घोषित प्रधानमंत्री श्रीमती योगी मानधन PMSY योजना शुरू हो चुकी है और देश भर में 3.13 लाख कॉमन सर्विस सेंटर CSC के जरिए इस योजना से जोड़ा जा सकता है। योजना अपनाने वाले कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले विशेष निकाय CSE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लीग ने PMSY योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के कामगार पात्र होंगे। 15,000 तक की मासिक आय वालों को फायदा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 में इस महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी। इसका क्रियान्वयन श्रम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। योजना का लाभ 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिले। योजना के तहत 5 साल में असंगठित क्षेत्र की 10 करोड़ श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आधार और पासबुक लेकर जाएं CSE। सरकार ने देश भर में लाभार्थियों को जोड़ने और उनके पंजीकरण के लिए CSE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लीग की सेवाएं ली हैं। अधिकारी ने बताया कि SPV नेटवर्क के तहत देश भर में 3.13 लाख CSE आते हैं। इनमें से 2.13 लाख CSE ग्राम पंचायत के स्तर पर हैं। योजना के तहत नामांकन सभी CSE द्वारा किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के कामगार अपने नजदीकी CSE जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और बचत बैंक खाते या जनधन खाते की पासबुक लेकर जाना होगा। पहले महीने का अंशदान उन्हें नकद में देना होगा। मिलेगी विशेष पहचान संख्या। CSE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने PMSY के लिए आवेदन फॉर्म तैयार किए हैं और वह इसका संचालन भी करेगी ताकि समूची पंजीकरण प्रक्रिया और आंकड़ा संग्रहण सुगम तरीके से हो सके। इसके अलावा वह योजना के तहत पंजीकरण कराने वालों को विशिष्ट ID नंबर भी जारी करेगी। CSE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया योजना के क्रियान्वयन के लिए श्रम मंत्रालय के विशिष्ट भागीदार है। बैंक में जाने की जरूरत नहीं। CSE दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में बैंकों के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं। ये केंद्र PMSY के तहत पंजीकरण के इच्छुक लोगों को CSE में बैंक खाता खोलने में भी मदद करेंगे और इसके लिए लोगों को बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी। अधिकारी ने बताया कि बाद के चरण में मंत्रालय PMSY वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए भी नामांकन कर सकता है। 55 से 200 रुपए तक मासिक अंशदान। ऐसी स्थिति में लोग आधार नंबर, बचत बैंक खाते या जनधन खाते के जरिए स्वयं सत्यापन कर सकेंगे। इस योजना में 18 साल की उम्र में जुड़ने वाले श्रमिकों को 55 रुपए का मासिक अंशदान देना होगा। योजना से 29 साल की उम्र में जुड़ने वालों को 100 रुपए और 40 साल की उम्र में जुड़ने वालों को 200 रुपए का मासिक अंशदान करना होगा।